हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर परवेज खान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के बारे में कि कैसे आप अपने पाचन शक्ति को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल ये हर उम्र के लोगों में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है तो समझ लीजिए आपकी पूरी लाइफ ख़राब है। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे वो कैसे? दोस्तों, वो ऐसे कि जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज होगा तो आपका काम में मन नहीं लगेगा, आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी, आपको दिन भर थकान रहेगी, गुस्सा रहेगा, आलस रहेगा। तो बहुत सारी ऐसी समस्या है जो आपको चारों तरफ से घेर लेगी, और इसके साथ आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहेगी, और जब कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो दुनिया भर की सभी बीमारियां आपको घेर लेगी। दोस्तों, फिर भी आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे अगर आप रोज़ाना करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिल जाएगा, जिससे आप खुश रहेंगे, आपको अच्छा महसूस होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स डाइजेशन के बारे में। तो बनिए रहिए फिर वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, टिप्स जानने से पहले मैं आपको 5 चीज़ें बता देता हूँ जिससे हमारा डाइजेशन ख़राब होता है। तो आप सबसे पहले उन्हें अपने लाइफ में कम कर दे और उनके विपरीत काम करें। तो फ्रेंड्स, 5 ऐसी बातें जिससे आपका डाइजेशन ख़राब होता है, तो आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं। तो पहली बात ये है कि कई घंटे एक ही जगह पर काम करना, दूसरी जल्दी जल्दी खाना, तीसरी फास्ट फूड ज़्यादा खाना, चौथी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल और फिजिकली एक्टिविटी कम होना, 5वीं ज़्यादा टेंशन लेना और पूरी नींद ना लेना। तो ऐसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में बिल्कुल ख़त्म कर दे तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी अच्छे से काम करने लग जाएंगी। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कुछ होम रेमेडीज़ जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेशन को अच्छा और मजबूत बनाए रखेगी। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो नंबर 1 दोस्तों, जब भी आप खाना खाएं तो खूब चबा चबा के खाओ। नंबर 2, खाना खाने के बाद जस्ट पानी ना पिए, बल्कि आधा घंटे के बाद ही पानी का सेवन करें। और यदि आप खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करते हैं तो खाना हमारे अच्छे से डाइजेस्ट होता है, क्योंकि यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा, ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नंबर 3, खाना खाने के बाद आपको लेटना नहीं है, बल्कि आधा घंटे तक टहलना है, और आपको भोजन फिक्स टाइम पर ही करना होगा। जैसे रोज़ दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच भोजन कर ले, और रात में 6 से 7 बजे के बीच। नंबर 4, अपनी डेली रूटीन को सही रखें। हर एक मनुष्य के लिए अपनी रूटीन का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी डेली रूटीन ठीक नहीं रहेगी तो फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए अपने डेली रूटीन को सही रखें, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत रहेगा। नंबर 5, जंक फूड को हमेशा के लिए अवॉइड कर दे, क्योंकि दोस्तों जंक फूड हमारे लीवर के लिए बहुत ही ख़राब है, सो इसके हमेशा के लिए छोड़ दे। नंबर 6, जितना हो सके आप सुबह और शाम वर्कआउट करने की आदत डालें। दोस्तों, फिर भी अगर आपको भोजन पचाने में प्रॉब्लम हो रही है तो भोजन के आधा घंटे के बाद गर्म पानी का सेवन कर ले। दोस्तों, एट लास्ट इन सभी नियमों को अपनाने के बाद आपको करने हैं कुछ योगासन, जैसे नौकासन, त्रिकोणासन, पश्चिमोत्तानासन, अग्निसार क्रिया, भुजंगासन और वज्रासन। खाना खाने के बाद आप आधा या 1 घंटा वज्रासन किया करो। दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा योग है जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। इसको भोजन के बाद करने से हमारा भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में बताया गया जानकारी अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, और अपना कुछ सवाल हो तो कमेंट कर देना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।